हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग कैसे बनाएंगे। साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर सो दैट ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। देखिए हम लोग का जो ट्राइंगल गिवेन है ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट, उसमें क्या कह रहा है, जो ए डी है वो क्या है, मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का, और पी एम जो है वो मीडियन है ट्राइंगल पी क्यू आर का। और मीडियन मतलब क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। सबसे पहले जो मीडियन है ए डी वो क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है बी डी और डी सी डी सी को। इसी प्रकार से हम लोग का जो पी एम है वो क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है क्यू एम और एम आर को। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हम लोग और क्या कह रहा है, जो हम लोग का है ए बी ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, कौन सा प्रोपोर्शनल है ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू क्यू आर और मीडियन हम लोग का पी एम ई क्या है, प्रोपोर्शनल है आपस में। अब देखिए हम लोग को क्या कह रहे हैं, हम लोग को जो गिवन था उसको हम लोग ने लिख लिया प्रूफ दैट में। तब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जो ए बी सी है ट्राइंगल ए बी सी वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, हम लोग ने लिख दिया प्रूफ में। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, प्रूफ में जो हम लोग को गिवन था, ये चीज़ हम लोग को गिवन था हम लोग ने लिख लिया। अब यहाँ पे ध्यान से स्टूडेंट समझिए, हम लोग को यहाँ पे देखिए क्या है ए बी, हम लोग को ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल सिमिलर दिखाना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी किसके बराबर हो जाएगा हम लोग का पी क्यू का, और बी सी बी सी बराबर हो जाएगा हम लोग का क्यू आर का, और ए इसमें लेकिन ए डी बराबर है किसके, ए डी बराबर है पी एम के। ये साइड तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो हम लोग इस ट्राइंगल को डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट सिमिलर नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम लोग को ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड इक्वल है हम लोग का, और ये साइड इक्वल है, लेकिन ये साइड नहीं दिया। हम लोग को दिखाना है ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर है, तो पूरा तो कवर नहीं होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल क्यू को आपस में इक्वल करने की कोशिश करेंगे, इक्वल दिखा देंगे, ताकि हम लोग का जो ट्राइंगल है वो एस ए एस सिमिलरिटी से कंडीशन से जो है प्रूव हो जाए। तो चलिए हम लोग इसी को कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए प्रूफ दैट में हम लोग लिख दिए, अब प्रूफ में देखते हैं, प्रूफ में देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, चलिए प्रूफ में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ छूट जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन ट्राइंगल अब ए बी डी एंड ट्राइंगल हम लोग का पी क्यू एम में, हम लोग इस ट्राइंगल में बात करें ए बी डी, क्योंकि हम लोग का एंगल भी इस ट्राइंगल में आ जाएगा, और हम लोग को ये साइड ये साइड ये साइड और ये वाला साइड गिवन, ये साइड गिवन है। तो हम लोग इस अब सबसे पहले इस ट्राइंगल से हम लोग क्या करेंगे, एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम में हम लोग ने लिख लिया, हम लोग को जो गिवन था हम लोग ने इसको भी लिख लिया। अब यहाँ ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए हम लोग आगे क्या कर रहे हैं, इसको तो हम लोग ने ऐसे लिख लिया। अब जो बी सी है बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हम लोग का क्या था बी सी, यहाँ पे ध्यान से देखिए जो बी सी है वो हम लोग का क्या होगा, चलिए मैं आपको और एक बार यहाँ पे रफ करके बता देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे तो मैंने किया है, देखिए हम लोग क्या किया बी सी, हम लोग का जो बी सी है वो क्या होगा, बी सी हम लोग का क्या होगा बी डी प्लस डी सी, यही होगा ना। बी सी हम लोग कैसे निकालेंगे, बी डी प्लस डी सी, बी सी को क्या होगा बी डी प्लस डी सी। अब यहाँ पे देखिए बी सी बराबर क्या होगा, हम लोग का जो मीडियन है वो क्या कर रहा है बी डी और डी सी को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो हम लोग डी सी की जगह में बी डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बी डी, क्योंकि हम लोग का डी सी किसके बराबर है, हम लोग का जो डी सी है वो बी डी के बराबर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं डी सी के प्लेस में बी डी लिख सकते हैं, और बी सी बराबर क्या हो जाएगा टू बी डी, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया बी सी के प्लेस में टू बी डी लिख दिया। अब इसी प्रकार से हम लोग का जो क्यू आर था सेम चीज़ हम लोग ने वही किया, हम लोग का क्यू आर था उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं क्यू एम प्लस एम आर, और हम लोग का जो वैल्यू होगा जो हम लोग का एम आर होगा वो क्या होगा इक्वल होगा क्यू एम के, तो हम लोग क्यू एम के प्लेस में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं समझा ही देता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पर रफ कर ही देता हूँ, जो हम लोग का क्यू आर होगा वो किसके इक्वल होगा क्यू एम प्लस एम आर के। अब यहाँ पे देखिए क्यू एम हम लोग का देखिए यहाँ जो है पहले लिख लेते हैं क्यू आर क्यू एम प्लस एम आर, देखिए हम लोग का जो पी एम क्या है मीडियन है, और वो क्या कर रहा है क्यू एम और एम आर को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो हम लोग का दोनों आपस में इक्वल है, तो हम लोग एम आर के प्लेस में हम लोग क्यू एम लिख सकते हैं,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 2qm, और यही चीज़ हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, लिख दिया, और इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम। अब क्या होगा, ए डी अपॉन में क्या हो जाएगा पी एम। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम में हम लोग का जो है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन में क्या पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम, बी डी अपॉन में क्यू एम, ये वाला ट्रायंगल की बात करें ना, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो इसका ये साइड इक्वल आ गया। अब देखिए क्या हो गया यहाँ पे, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम ये भी इक्वल आ गया। तब हम लोग का जो क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा ए बी डी सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के। और हम लोग जानते हैं जब क्या बोलते हैं, दो ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर होता है, तो उनका जो क्रोस्पॉन्डिंग एंगल होता है वो भी क्या होता है इक्वल होता है, जैसे कि एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ओह सॉरी यहाँ पे हम लोग ने लिखना भूल गए कौन सा कंडीशन से ये सिमिलर हो रहा है, तो बाय एस 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 सिमिलरिटी। और यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एंगल बी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल क्यू के। हम लोग का जो क्या होगा, जो एंगल बी होगा वो किसके होगा, इक्वल एंगल क्यू के, क्यों होगा यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो हम लोग का ये दोनों आपस में इक्वल क्यों होगा, बी एंगल बी और एंगल क्यू, क्योंकि हम लोग का क्या है जो सिमिलर ट्रायंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होता है इक्वल होता है। अब चलिए हम लोग इसको क्या करेंगे आगे देखेंगे, तो हम लोग इसको आगे बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के। हम लोग यहाँ लिख देखते हैं एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। हम लोग ने क्या किया, प्रूफ किया, प्रूफ लिख देते हैं हम लोग ने, ये हम लोग ने अभी प्रूफ किया। अब देखिए और हम लोग को ये साइड ए बी पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर क्या है हम लोग का BC अपॉन QR, ये हम लोग को गिवन है। तो हम लोग का दो साइड भी क्या हो गया इक्वल हो गया, AB अपॉन में हो गया PQ इक्वल है हम लोग का BC अपॉन में QR, ये हम लोग को क्या है गिवन है, ये हम लोग को गिवन है। देखिए AB अपॉन PQ, फिर क्या है इक्वल है BC अपॉन QR। तो देखिए हम लोग का ये दो, हम लोग ने दोनों ट्रायंगल का एक एंगल और दो साइड्स क्या दिखा, हम लोग ने इक्वल दिखा दिए। तभी हम लोग का क्या होगा ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन सा कंडीशन से, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। और यही चीज़ हम लोग को प्रूव करना था। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।